मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रताप राणा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि जिला परिषद और बीडीसी चुनावों में 62% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाने का जो प्रयास किया है वो बेहद सराहनीय है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाई जानी चाहिए। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर जयराम सरकार से निवेदन है कि जिस ढंग से उन्होंने महिलाओं के लिए जो तवज्जो पंचायत चुनाव और नगर परिषद और इसके जिला परिषद और बीडीसी के लिए 62% जो महिलाओं को इसमें भागीदारी देने का जो उन्होंने प्रयत्न किया, अगर मेरा उनसे एक सुझाव है, महिला आगे बढ़नी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु यही आरक्षण 62% अगर विधानसभा और हिमाचल और भारतवर्ष की पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार अगर इस बात को लागू करें तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि महिलाओं का जिस तवज्जो से महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम पंचायतों में आपको 62% जो आपको हमने आरक्षण दिया है, ये वोट की राजनीति खेल रहे हैं। अगर आपका सच्चे मन से अगर महिलाओं के प्रति आदर और मान और सम्मान है तो मेरा निवेदन है कि विधानसभा और पार्लियामेंट में भी यही आरक्षण लागू किया जाए।